स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को केरल में तिरंगा फहराने से रोक दिया गया। भागवत केरल के पल्लकड़ इलाके के एक स्कूल में ध्वजारोहण करने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर ने उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर दिया। कलेक्टर का कहना है कि ध्वजारोहण या तो स्कूल टीचर कर सकता है या फिर चुने हुए प्रतिनिधि, लेकिन किसी राजनीतिक नेता द्वारा ध्वजारोहण ठीक नहीं। वहीं बीजेपी ने कलेक्टर के इस आदेश को गैर जरूरी बताया। बीजेपी और आरएसएस का कहना है कि झंडा कोड के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी स्कूल में ध्वजारोहण कर सकता है। हालांकि डीएम के आदेश के बाद मोहन भागवत ने स्कूल में झंडा फहराया। आपको बता दें कि भागवत करना कियामन के एक स्कूल में सुबह 9 बजे तिरंगा फहराने गए थे और ये स्कूल आरएसएस के समर्थक चलाते हैं। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।